प्राध्यापक यशवंतराव केलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक तो नहीं थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद के शिल्पी थे। जब से उन्होंने विद्यार्थी परिषद में जब आए, तब उन्होंने ही विद्यार्थी परिषद को एक आकार दिया, एक रूप दिया और विद्यार्थी परिषद को अपने उद्देश्यों के बारे में उस दिशा में चलाया। वो एक बहुत बड़े संगठक थे, विचारक तो थे ही लेकिन संगठक थे, और उनका सबसे बड़ा योगदान कहा जा सकता है कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद में टीम कार्य पद्धति के विषय को पूरे आग्रहपूर्वक रखा भी और विद्यार्थी परिषद में उस कार्य पद्धति को आरूढ़ भी किया। वे पीछे रहकर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। वो मंच पर आने से भी संकोच करते थे। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन एक वर्ष में ही उन्होंने वो पद भी छोड़ दिया और उन्होंने अनेकानेक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के लिए तैयार किए, और विद्यार्थी परिषद जो भी आज हमें दिखाई देती है, मैं कह सकता हूँ कि उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान था। कुशल संगठन शिल्पी यशवंत राव केलकर राष्ट्र पुनर्निर्माण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में युगानुकूल सामाजिक परिवर्तन के शुभ संकल्प के साथ संगठित छात्र शक्ति का नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। युवा ऊर्जा को लेकर विद्यार्थी परिषद के बिरवे को अपने जीवन रस से सींचकर पल्लवित पुष्पित करने वाले जीवनव्रती शिल्पियों में यशवंत राव केलकर जी का नाम ससम्मान लिया जाता है। उन्होंने देश में चल रहे छात्र आंदोलन को प्रखर राष्ट्रभक्ति की ठोस दिशा देने का कार्य किया। यशवंत राव जी के तप, पराक्रम और दिशा दर्शन के बल पर विद्यार्थी परिषद आज वटवृक्ष का आकार लेकर वैश्विक छात्र शक्ति के रूप में दुनिया के सामने विद्यमान है। 1948 में कार्य शुभारंभ और 1949 में विधिवत पंजीकृत कर विद्यार्थी परिषद का कार्य बढ़ाया गया। इस क्रम में परिषद से एकाकार होकर एक कुशल शिल्पी और विद्यार्थी परिषद के पर्याय पुरुष के रूप में जिनको ख्याति मिली, वे यशवंत राव केलकर हैं। यशवंत जी ने विद्यार्थी परिषद को अखिल भारतीय रूपाकार देकर रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ इसे देश के मानस पटल पर अंकित किया। यशवंत राव केलकर जी कहते हैं, अपनी एक टीम है और टीम में हर एक की क्षमता के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार जो काम उसको सौंप दिया गया है, वह काम प्रामाणिकता से और परिश्रम पूर्वक करना होता है। समाज का काम जो निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को सभी प्रकार से सहायता करने वाले लोगों की समाज में कमी नहीं है। इसलिए विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता उनका ऋण स्वीकार कर अधिकाधिक उत्तम काम करेंगे। इस विराट चिंतन के साथ अग्रसर होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने गौरवमय अमृत काल में यशवंत राव केलकर जी का पुण्य स्मरण करते हुए उनके द्वारा प्रवर्तित कार्य पद्धति एवं कार्यकर्ता निर्माण के सिद्धांतों को साकार कर रहा है। यशवंत राव केलकर का जन्म 25 अप्रैल 1925 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंडरपुर में वासुदेव राव जी के घर हुआ। प्रतिभावान यशवंत बचपन से ही बुद्धिमान, परिश्रमी, हंसमुख और नटखट थे। स्मरण शक्ति और ग्रहण क्षमता के धनी यशवंत को मैट्रिक परीक्षा में संस्कृत विषय में विशिष्ट अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति मिली। छात्र जीवन में ही यशवंत राव केलकर पुणे स्थित रामदास संघ शाखा से जुड़ गए थे। संघ कार्य में समर्पण भाव से सक्रिय यशवंत जी को सर्वप्रथम जलगांव जिले के फैजपुर गांव में विस्तारक का दायित्व मिला।
1945 से लेकर 1952 तक यशवंत जी नासिक और सोलापुर जिले में प्रचारक रहे। प्रचारक जीवन से लौटने के बाद 1955 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्वर्ण पदक के साथ परा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1956 में यशवंत राव केलकर ने नेशनल कॉलेज बांद्रा बंबई में अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। उस कालखंड में 1958 तक परिषद का कार्य कुछ प्रमुख शिक्षा केंद्रों तक ही सीमित था। 1958-59 में संघ की योजना से यशवंत राव केलकर को विद्यार्थी परिषद में कार्य दायित्व प्रदान किया गया। छात्र संगठन से जुड़ने के बाद अथाह परिश्रम, समर्पण, कर्मठता और नेतृत्व क्षमता के बल पर यशवंत जी ने विद्यार्थी परिषद के कार्य को बंबई और महाराष्ट्र से आगे देशव्यापी विस्तार दिया। यशवंत जी ने परिषद के साथ एकाकार होते हुए सामूहिक संगठन अर्थात टीम भावना की कार्य पद्धति को बढ़ावा दिया। स्वतः स्फूर्ति, सामूहिक कार्य, अग्रिम योजना और सविस्तार योजना विद्यार्थी परिषद की दैनंदिन पहचान बन गई। उनकी स्पष्ट सोच थी कि कट्टरपंथी मुखियाओं की अपेक्षा समर्पित दिमागों की रचना करना बेहतर है। संगठन रचना को व्यावहारिक मानवीय पहलू के साथ जोड़ते हुए यशवंत जी का मानना था कि स्वभाव से कार्यकर्ता जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारना है और अपने संगठन की रीति नीति के अनुरूप जैसा हमको चाहिए वैसा ही उसको गढ़ना है। यशवंत जी कहते थे, हम सभी अपूर्णांक हैं। पूर्णांक होने की इच्छा निर्माण करना और उस दिशा में प्रयत्न करने के लिए एक दूसरे की सहायता करना यानी विकास के मार्ग पर चलना है। अलग अलग भौगोलिक संरचना, वेशभूषा, भाषा और लोक संस्कृति से युक्त प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जोड़कर यशवंत राव जी ने उनके व्यक्तित्व का विकास करने के साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य भी किया और वे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरक और मार्गदर्शक बन गए। यशवंत जी की सोच थी कि जो एक बार कार्यकर्ता बन गया वो सदैव कार्यकर्ता बनकर ही रहेगा। कार्यकर्ता मात्र 5-6 वर्ष परिषद में कार्य करे यह पर्याप्त नहीं है। कार्यकर्ता के जीवन के आगामी 25-30 वर्ष जीवन की दृष्टि लेकर सामाजिक कार्य में सक्रिय रहना अधिक उपयोगी और आवश्यक है। असंख्य सहयोगी कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए यशवंत जी ने परिषद में एक आदर्श नियंता, आत्मीय मित्र, शुभ चिंतक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। एक कुशल संगठक, उदार हृदय मानव और सबका अपना बनकर कार्यकर्ता निर्माण और उसकी संभाल की संघ पद्धति को यशवंत राव जी ने साकार किया। यशवंत जी के साथ कार्य करने वाले सहयोगी कार्यकर्ताओं के संस्मरण पूर्णांक की ओर नामक स्मारिका में प्रकाशित है, जो उनकी आत्मीयता, उदारता और कार्यकर्ता के सम्मान के लिए तत्परता के जीवंत प्रमाण है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दक्षिण एवं उत्तर क्षेत्र के पूर्व संगठन मंत्री और संघ के वरिष्ठ प्रचारक KN गोविंदाचार्य यशवंत राव केलकर जी को याद करते हुए कहते हैं, 1979 में मेरे बीमार होने पर यशवंत राव जी मुझे उठाकर अपने घर ले गए। दवा चालू हुई, भोजन में दाल का परहेज था। घर में कई महीने से दाल नहीं बनी, उसके बगैर ही सभी ने भोजन किया। मैं कई कई रातों में उन्हें अपने बिस्तर के निकट पाता था, हालांकि वे स्वयं बहुत स्वस्थ नहीं थे। पूरे एक वर्ष उनके घर पर ही उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश कोहली कहते हैं, कार्यकर्ताओं के निजी जीवन की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने में यशवंत राव जी की रुचि रहती थी। कार्यकर्ता के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसे किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, इसकी वे पूरी जानकारी रखते थे। कार्यकर्ता के साथ टहलते हुए बातचीत कर उसके मन में प्रवेश कर वे आत्मीय बन जाते थे। विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष और विहिप के पदाधिकारी रहे दिवंगत आचार्य
गिरिराज किशोर के संस्मरण में उल्लिखित है कि 1967 में इंदौर में विद्यार्थी परिषद का अखिल भारतीय अधिवेशन था। उस वर्ष अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते यशवंत राव केलकर जी चुने गए थे। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि इस अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के मध्य अध्यक्ष खुली जीप में बैठे, लेकिन यशवंत जी ने यह कहकर मना कर दिया कि अध्यक्ष संस्था का स्वामी नहीं अपितु अग्रणी मात्र है। इस तरह उस जीप में स्वयं न बैठकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का चित्र रखवा दिया। परिषद के पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अतुल कोठारी याद करते हुए बताते हैं, एक बार एक छात्र कार्यकर्ता के पास अधिवेशन में जाने के लिए पैसे नहीं थे। तब यशवंत राव जी ने उस छात्र को आवश्यक आर्थिक सहायता दी। जब वह छात्र कमाने लगा तब एक दिन उस युवक ने आकर यशवंत राव जी को पैसा वापस दे दिया। यशवंत राव जी ने पैसा अपने हाथ में लेकर पुनः उस युवक की जेब में रखते हुए कहा कि अपने जैसी आवश्यकता वाले छात्र के लिए इसका उपयोग करना। यशवंत जी के षष्ठी पूर्ति समारोह को याद करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष पद्मनाभ आचार्य कहते हैं, यशवंत राव जी शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए और विद्यार्थी परिषद से संघ में महाराष्ट्र प्रांत बौद्धिक प्रमुख बनकर वापस लौटे तो पुणे में उनके षष्ठी सत्कार पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने निधि एकत्रित कर उनको थैली भेंट की। मुख्य अतिथि तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहब देवरस के हाथों सम्मानित और डॉक्टर हेडगेवार कुलोत्पन्न की संज्ञा पाने वाले यशवंत राव केलकर जी ने यह 5 लाख रुपए की सम्मान निधि विद्यार्थी परिषद को ही भेंट कर दी। विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष पीवी कृष्ण भट्ट कहते हैं, 1980-81 में कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय अधिवेशन था। मैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। यशवंत राव जी के ध्यान में आया कि मेरे हाथ में घड़ी नहीं है और कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वे मेरे पास आए और अपनी घड़ी मेरे हाथ में पहना दी। सम्मेलन की समाप्ति पर वे वहां से निकल गए। उन्होंने मदन जी के माध्यम से संदेश छोड़ा कि मैं जाते समय आपसे नहीं मिल पाया, मेरी घड़ी आप मदन जी के हाथों भेज सकते हैं या एक मित्र के नाते भेंट स्वरूप रख भी सकते हैं। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और यशवंत जी के सहयोगी मुकुंद राव कहते हैं, मई के महीने में कोणार्क एक्सप्रेस में हम कुछ कार्यकर्ता यशवंत जी के साथ केंद्रीय बैठक के लिए निकले थे। एक कार्यकर्ता ने हापुस आम ला रखे थे। हम लोग खाने लगे। आम खाते हुए गलती से मेरे आम का रस फूटकर साथी प्राध्यापक कार्यकर्ता की शर्ट में गिर गया। वे नाराज होकर मुझ पर चिल्लाए। सामने बैठे यशवंत जी चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए आम खाते रहे। शाम को फिर आम सामने आए तो मैंने नहीं लिए। यशवंत जी मेरे पास आए और कहा, मुकुंदराव आम कैसे खाया जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ, नाराज मत होइए। प्रकाश राव जो कुछ बोले वे प्रेम से ही बोले थे। सहज, सरल, उदार और मधुरभाषी होते हुए भी विश्वविद्यालय परिसरों में अकादमिक व्यवस्था दुरुस्त करने के प्रति यशवंत जी दृढ़ प्रतिज्ञ रहे। राजनीति से मुक्त शिक्षा परिसर के नारे के साथ विद्यार्थी परिषद ने मांग यही है 100% शिक्षा व्यय हो 10%, असम समस्या हल नहीं हुई तो इन सड़कों पर खून बहेगा और लाठी गोली की बौछार सहने को हैं हम तैयार जैसे नारों से व्यापक आंदोलन चलाए। संगठन कार्य को ही दायित्व मानने वाले यशवंत राव जी ने 1967 में विद्यार्थी परिषद के ज्येष्ठ कार्यकर्ता दत्ताजी डिडोलकर के बड़े आग्रह अथवा आत्मीय निर्देश को मानते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष का दायित्व स्वीकार किया। 26 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लगा था तो इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने व्यापक सत्याग्रह छेड़ा। संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद परिषद ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी और
व्यापक भूमिका निभाई। यशवंतराव दमनकारी तंत्र के निशाने पर थे। 13 दिसंबर 1975 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे 19 महीने वे जेल में रहे, लेकिन जेल में भी उन्होंने सभी वैचारिक योद्धाओं को एकजुट करने का काम किया। आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 में यशवंत राव जी को संघ योजना से एक वर्ष के लिए भारतीय जनसंघ के प्रांत कार्यालय प्रमुख का भी दायित्व प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने अच्छी तरह निभाया। 80 के दशक के उत्तरार्ध में यशवंत राव केलकर जी का स्वास्थ्य शिथिल होने लगा। जून 1986 में यशवंत राव जी को महाराष्ट्र प्रांत बौद्धिक प्रमुख का दायित्व प्रदान किया गया। निरंतर अस्वस्थता के बाद एक कुशल संगठक, आदर्श शिक्षक और कोटि कोटि युवा शक्ति के प्रतिनिधि, गृहस्थ संत और विदेह यशवंत राव केलकर जी ने 6 दिसंबर 1987 को अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस जी ने यशवंत राव केलकर जी को परम पूजनीय हेडगेवार कुलोत्पन्न यूं ही नहीं कहा। विद्यार्थी परिषद को उन्होंने उसी प्रकार आकार देने का काम किया जिस तरह संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्मिति की है। पावन आत्मा को सादर नमन।